हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जो आज एडवाइजरी जीएसटी डिपार्टमेंट ने इशू करी है रिलेटिंग टू जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B एंड मैचिंग टूल से रिलेटेड जो अपडेट आया है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ऐसे आपको एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। ये एडवाइजरी आज ही इशू हुई है 13 अप्रैल को। इस एडवाइजरी में जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B एंड मैचिंग टूल से रिलेटेड आया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 1 जनवरी 2021 के बाद जो टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर अप टू 5 CR है, उनके लिए एक ऑप्शन है कि वो जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B क्वार्टरली फाइल कर पाए, जिसको हम QRMP स्कीम भी बोलते हैं। उसमें आपको जो क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ्स है, मंथ 1 एंड मंथ 2, उससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो आपको IFF पोर्टल में डालना रहता है, और जो मंथ 3 है उसके डिटेल्स GSTR 1 में डालना पड़ता है। तो उसी के रिगार्डिंग ये एडवाइजरी आई है कि आप जब GSTR 1 फाइल करें तो उसके पहले क्या क्या ध्यान देना है। इससे पहले भी मैं ये अपने वीडियो में कवर कर चुकी हूँ कि अगर आपने IFF पोर्टल में सिर्फ सेव की है डिटेल्स, ना ही आपने सबमिट करी है ना ही फाइल करी है, तो आप उसको रीसेट करके ही जीएसटीआर 1 में फिर से जनवरी, फरवरी एंड मार्च की डिटेल्स डाल के जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे। और अगर आपने IFF पोर्टल में सबमिट कर दिया है बट फाइल नहीं की है फर्स्ट 2 मंथ्स के रिगार्डिंग डिटेल, तो आपको सबसे पहले IFF पोर्टल को फाइल करना है, देन ही जीएसटीआर 1 में मार्च की डिटेल्स डाल के जीएसटीआर 1 फाइल करना है। और अगर आपने सक्सेसफुली IFF पोर्टल में डिटेल्स डाल के फाइल कर दिए हैं तो देन आपको बस GSTR 1 में मार्च की डिटेल डाल के उसको फाइल करना है। 13 अप्रैल लास्ट डेट होती है GSTR 1 की, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने आज एडवाइजरी ये इशू करी है। ये पहले भी इशू हो चुकी थी। इस एडवाइजरी में इसका तो ध्यान दिया ही है, साथ में GSTR 3B के रिगार्डिंग उन्होंने ये बताया है कि आज जब सप्लायर्स GSTR 1 फाइल कर देंगे विद इन ड्यू डेट, देन इससे जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली आपकी 3B में रिफ्लेक्ट करेगी और इसी से ही GSTR 2B भी जनरेट होगी। GSTR 2B में जैसे कि हम सब जानते हैं कि ITC की डिटेल रिफ्लेक्ट करती है कि आप कितना ITC ले सकते हैं, कितना ITC आपको अवेलेबल नहीं है, कौन से ऐसे परचेजेस है जिसमें रिवर्स चार्ज है, ये सारी डिटेल्स GSTR 2B में दिखती है। वो ही सारी डिटेल्स आपके 3B में भी दिखेगी, ऑटोमेटिकली आपकी 3B फिल हो जाएगी आउटपुट सप्लाईज फ्रॉम GSTR 1 एंड IFF पोर्टल। इनपुट की डिटेल GSTR 2B से ले ली जाएगी, कितना ITC अवेलेबल है, कितना नहीं है अवेलेबल, एंड कौन से ऐसे परचेजेस जिसपे रिवर्स चार्ज लगेगा। तो यही सब इस एडवाइजरी में बताया गया है। थर्ड जो बताया है वो है मैचिंग ऑफलाइन टूल। मैचिंग ऑफलाइन टूल के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी अपलोड करा है कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं एंड इजिली रिकनसाइल कर सकते हैं आपकी परचेजेस फ्रॉम GSTR 2B एंड परचेज रजिस्टर। उसी के रिगार्डिंग ये अपडेशन आया है कि अब ये क्वार्टरली टूल भी अवेलेबल है। अभी तक जो पोर्टल में टूल था वो मंथली बेसिस पे आप रिकनसाइल कर पाते थे, बट अब जब क्वार्टर खत्म हो चुका है तो उन्होंने क्वार्टरली 2B रिकनसिलेशन के लिए भी टूल अपलोड कर दिया है। तो ये तो आज की एडवाइजरी में था, मैं एक बार आपको पोर्टल में भी ये चीज़ें बता देती हूँ। जब आप रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे लॉगिन करके, देन आप फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे 2021 एंड मार्च मंथ आप सिलेक्ट करेंगे। रिटर्न डैशबोर्ड में गए, इसमें आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 मार्च सर्च किया, तो अब आपको ये पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। फर्दर अब 2B भी दिखने लगेगा क्वार्टरली बेसिस पे एंड 3B भी क्वार्टर बेसिस पे ऑप्शन अवेलेबल है, बट इन दोनों में जो इन्फॉर्मेशन है ये कल से आएगी, क्योंकि आज लास्ट डेट थी GSTR 1 फाइल करने की। जब आज सक्सेसफुली सप्लायर्स फाइल कर देंगे देन कल से 2B अपडेट हो जाएगा। मैं GSTR 2B भी आपको एक बार क्लिक करके बता देती हूँ। इसमें आ रहा है कि फॉर्म GSTR 2B शैल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर लास्ट कट ऑफ डेट दैट इज 13 अप्रैल, मतलब कि कल से आप
रिकनसाइल कर सकते हैं अपनी ITC एंड सक्सेसफुली GSTR 3B भी फाइल कर सकते हैं। तो होप आपको ये एडवाइजरी समझ आ गई होगी। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको फर्दर कोई क्वेरी है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।